मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में देश विदेश के करोड़ों भक्तों की गहरी आस्था है। इसी कड़ी में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी फिल्म डायरेक्टर सौंदर्या रजनीकांत भी अपने धार्मिक विश्वासों को प्रकट करने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने उज्जैन पहुंची। बुधवार 21 अगस्त को उन्होंने महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया। सौंदर्या रजनीकांत की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह नंदी हॉल में भगवान महाकाल के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। सावन माह के अंतिम दिन और अंतिम सोमवार होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और इसी धार्मिक माहौल में सौंदर्या रजनीकांत ने महाकाल के दर्शन किए। सौंदर्या रजनीकांत, जिन्होंने एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, 2010 से डायरेक्टर के रूप में सक्रिय है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म गोवा थी और 2014 में उन्होंने फिल्म कोचा ध्यान का भी निर्देशन दिया। महाकाल मंदिर की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर के लिए अलग अलग थाना बनाया जाएगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए 400 होम गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 228 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ पर्व के लिए इस वर्ष बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।